76,000 लोगों से अंगदान संकल्प पत्र भरवाने का लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर दधीचि देहदान समिति के सप्तम राज्य स्तरीय सम्मेलन के मौके पर तथा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 75,000 लोगों से नेत्रदान या अंगदान के लिए संकल्प पत्र भराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने जीते जी रक्तदान और मृत्यु के पश्चात नेत्रदान या अंगदान करने का आह्वान किया। कहा कि आई बैंक खुलने के बाद लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता आएगी, कई लोग अंगदान कर भी रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि सरकार की सभी मेडिकल कॉलेजों में लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा सभी जगह जल्द ही नेत्र बैंक प्रारंभ हो जाएगा। सम्मानित सदस्यगण और अन्य सभी सम्मानित भाइयों बहनों मित्रों, आज विश्व अंगदान दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर हम सब लोग इस कार्यक्रम में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जिस दिन संपूर्ण दुनिया में अंगदान के महत्व पे चर्चा होती है। अंगदान के महत्व, जीवन में अंगदान का क्या महत्व है, इस संदर्भ में चर्चा करके हम समाज के लोगों को अंगदान के लिए उत्साहित करते हैं, अंगदान के लिए हम वातावरण बनाते हैं, अंगदान के लिए हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क को तैयार करते हैं और एक प्रकार से संपूर्ण दुनिया के अंदर जनजागरण का ये कार्यक्रम भी आज के दिन होता है कि क्यों अंगदान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, करने का प्रतिफल क्या होता है और हम यदि नहीं करते हैं तो फिर हमारे शरीर का क्या मतलब है। इन सारे विषयों पे हम चर्चा करते हैं और आज इसी प्रकार की चर्चा यहाँ भी हुई। हमारा शरीर इस धरा के लिए कितना महत्वपूर्ण है जब तक इसमें सांसें चल रही हैं और जब सांसें बंद हो जाती हैं तो फिर इस शरीर का क्या महत्व है और इस शरीर के अंगों का क्या उपयोग आगे होना चाहिए। आज डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी हम सब लोगों को दिखाया गया और यदि हम अंगदान नहीं करते हैं तो फिर ये कैसे राख में तब्दील हो जाता है वो भी हम लोगों ने न केवल इस फिल्म में देखा है बल्कि हम लोग अपने जीवन में जाके प्रत्यक्ष रूप से भी इन चीजों को श्मशान घाटों पर देखते हैं कि कैसे एक शरीर का सारा अंग जल के राख में बदल जाता है और यदि उन्हीं अंगों को सही समय पर हम दान कर दें, दूसरे के शरीर के लिए दे दें तो वह शरीर का अंग दूसरे के शरीर में जाके जीवित रह सकता है, काम कर सकता है और दूसरे के जीवन को ज्योति मिल सकती है। यह निश्चित रूप से ऐसा विषय है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जिसमें जागरूकता की बहुत जरूरत है और मैं समझता हूँ कि आदरणीय सुशील मोदी जी ने जो प्रयास आज से 7 साल पूर्व किया था, इसके पूर्व शायद कभी बिहार में इस प्रकार के गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे। जिस गंभीर प्रयास की जरूरत संपूर्ण राज्य को है, देश को है और दधीचि देहदान समिति के द्वारा जो प्रयास पिछले 7 वर्षों में हुए हैं उसके कई सकारात्मक परिणाम हम सब लोग देख रहे हैं। आज इस समिति के माध्यम से साल में बहुत सारे अंगदान के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लोगों से संपर्क किया जाता है, लोगों के जो फॉर्म भरवाए जाते हैं फिर उसके आधार पर यदि उस परिवार में किसी की दुखद मृत्यु होती है तो उस परिवार के लोगों से संपर्क करके उसका नेत्रदान करना हो या अन्य ऑर्गन का डोनेशन लेना हो उस काम को फिर हॉस्पिटल के साथ बातचीत करके विमल जैन जी और इनकी टीम के द्वारा पूरा करवाया जाता है और निश्चित रूप से किसी के जीवन में वो रोशनी देने का काम हम सब लोग करते हैं। इस प्रकार की कोई संस्था पूर्व से नहीं थी जो इस प्रकार से सक्रिय होकर समाज के अंदर लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन केवल वर्ष में एक बार न करते हुए 365 दिन ऐसे विषय की चिंता करे और उसके लिए टीम बनाए। और ये जो समिति दधीचि देहदान समिति है आज राज्य के 800 जिला में समिति बन के तैयार हो गई है और सभी जगहों पर इसके कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, तो ये पूरा एक संगठन का स्वरूप इसने ले लिया है और मैं बहुत ही बार बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सुशील मोदी जी का कि आपके इस प्रेरणा ने इस राज्य के अंदर सैकड़ों लोगों को इस उद्देश्य के साथ जोड़ा और आज राज्य के अंदर सैकड़ों लोग इस उद्देश्य के साथ जुड़ के मानव के अंग का बेहतर उपयोग कैसे हो सके, मृत्यु के पश्चात भी
व्यक्ति अपने अंग दान करके कैसे दूसरे के जीवन में खुशहाली ला सके, उसका प्रयास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं भी लगभग शुरू से ही, जहाँ तक मुझे याद है, पहली बैठक से ही मैं भी इस समिति के कार्यों से, गतिविधियों से जुड़ा रहा हूँ। और मेरी भी हमेशा यह इच्छा रहती है कि राज्य के अंदर जितना संभव हो सके इस काम को किया जाए, और संयोग से सरकार के अंदर भी जो जिम्मेवारी मिली वह इससे जुड़े हुए विभाग से ही मिली, और स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी जो कुछ प्रयास कर रहे हैं, चाहे ब्लड बैंक को बेहतर करने के लिए करना हो वो प्रयास कर रहे हैं। अभी आई बैंक की बात विमल जैन जी ने की, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, शायद जानकारी हो भी गई होगी कि पूर्व में केवल राज्य के 3 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के अंदर आई बैंक थे, और वहां के लोगों को हम लोगों ने IGIMS से ही सभी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दिलवाई थी, सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को, और सभी मेडिकल हॉस्पिटल्स कॉलेज हॉस्पिटल्स में जो भी सिविल वर्क करने थे, इक्विपमेंट्स लगाने थे, वो सारे लगा दिए गए थे। लेकिन DMCH, NMCH और भागलपुर में पूर्व से अनुमति प्राप्त थी 5 मिनट, और हमारे जो और मेडिकल कॉलेज हैं उनको अनुमति नहीं थी। अभी 1 सप्ताह पूर्व 5 और मेडिकल कॉलेजेस के आई बैंक को सारी प्रकार की जो अनुमति मिलनी है वो सब कुछ मिल गई, सारा उपकरण लग चुका है, और सारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो गई है। वो है गया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, SKMCH, DMCH, भागलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और पावापुरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। मधेपुरा का करना है अभी, और राजेंद्र नगर का भी करना है, ये 2 जगह का होना है। बाकी ये शेष, क्योंकि मैं पिछली बार जब कार्यक्रम में आया था तो ये जिम्मेवारी मुझे आप सब लोगों के द्वारा दी गई थी कि इस काम को यथाशीघ्र किया जाए, लेकिन निश्चित रूप से कोरोना काल के कारण स्वास्थ्य विभाग की भी जो प्राथमिकताएं थी वो कुछ दूसरी हो गई थी, इस कारण थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन मैं जब इस कार्यक्रम में आने की जानकारी, आपका निमंत्रण मुझे मिला, तो मुझे तुरंत पहला ध्यान में यही आया कि वो मैं जाऊंगा तो मुझे पहले आई बैंक के बारे में बताना पड़ेगा कि मेडिकल कॉलेजेस में सारी तैयारियां होके उनके लाइसेंस मिले कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग से उसकी अनुज्ञप्ति मिल गई कि नहीं। तो वो सारा काम हो गया है, और उसकी सारी कॉपी भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा जो लाइसेंस वहाँ मिले हैं। उस संबंध में भी कई बातें थी, वहाँ काउंसलर्स की नियुक्ति, अन्य कई चीजें थी, उन चीजों में भी प्रगति हुई है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग उस विषय को लेकर गंभीर है, और वो सारे प्रयास भी उप मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय सुशील मोदी जी के द्वारा किए गए थे, जब उनके द्वारा हमेशा रिव्यू होता था इस विषय को लेकर, और कई डायरेक्शंस भी उनके स्तर से उस समय दिए गए थे। तो जो निर्देश उस वक्त दिए गए थे उन निर्देशों का अनुपालन भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है, और निश्चित रूप से राज्य के अंदर इस वातावरण को बेहतर बनाने में और सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने में सरकार की अपनी एक बड़ी भूमिका है, और सरकार की जो भूमिका है उस भूमिका का हम सब निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, और आम लोगों की सहभागिता जितनी बढ़ेगी उतना ही यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने में दधीची देहदान समिति और अन्य संगठनों का भी बहुत योगदान है। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, कई क्लब्स हैं जो लगातार दधीची देहदान समिति को अपना सहयोग भी देते रहते हैं, और हम सब जो फॉर्म भरवाते हैं, चाहे वो ब्लड के डोनेशन का हो या आई डोनेशन का हो या ऑर्गन डोनेशन का हो, तो उसमें सारे संस्थाओं का भी सहयोग हमको मिलता है। मैं आज के दिन अन्य सभी संस्थाओं को भी आभार व्यक्त करता हूँ, और सबके सामूहिक प्रयास से हम इस अभियान को और बेहतर बना पाएंगे। देश में जैसा भी बताया गया कि किडनी की जरूरत होती है या आंख के लिए हमको जरूरत पड़ती है, तो हम कैटरेट, ये रेटिना, ये जो भी चीज हमको आई के लिए जरूरत पड़ती है, बिहार के अंदर भी हम सब उस काम को कर रहे हैं। जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट में लगभग 5-5.5 लाख रुपए का एक सामान्य सा खर्च अस्पतालों के अंदर आता है, और बिहार की सरकार किडनी ट्रांसप्लांट में किसी को कोई आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और किसी का जीवन पैसे की कमी से न जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से, चाहे वो हमारे IGIMS के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हो या राज्य के दूसरे अस्पताल में या राज्य के बाहर वैसे अस्पताल जो CGHS से इंपैनल्ड हॉस्पिटल हैं, वैसे सारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी
यदि कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उनको हम सरकार की ओर से 4 लाख रुपए का सहायता देने का भी काम करते हैं, ताकि किसी को कोई कठिनाई और दिक्कत नहीं हो। तो किडनी भी मिले, किडनी मिल जाए तो लोगों को ट्रांसप्लांट कराने में आर्थिक कठिनाई नहीं आए, उसकी सरकार चिंता करती है। और अभी जैसा बताया गया कि हमने एक लिवर ट्रांसप्लांट किया था, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट की पूरी तैयारी IJMS में कर ली गई है। हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी अपनी तैयारी लगभग कर चुके हैं, वो अंतिम चरण में है। तो ऑर्गेन डोनेशन और ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करने के मामले में बिहार काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जैसा कि डॉक्टर एनआर विश्वास ने भी बताया। और राज्य देश में आज जैसा मनीष मंडल जी बता रहे थे कि 22 राज्य हैं जहां पे ऑर्गेन ट्रांसप्लांट की सुविधा है, तो बिहार निश्चित रूप से इस कार्य को और बेहतर कर रहा है। और आगे आने वाले दिनों में राज्य के और भी विभिन्न अस्पतालों में हम ऑर्गेन ट्रांसप्लांट के काम को आगे बढ़ाएंगे। आगे आने वाले दिनों में PMCH में भी किडनी ट्रांसप्लांट की योजना हमारी है, वहां भी उसकी व्यवस्था बनाने का काम किया जा रहा है। तो हम अन्य अस्पतालों में भी इन सुविधाओं को और बेहतर करेंगे। दधीचि निदान समिति के सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ, और हम सब लोगों के साथ इसके अध्यक्ष आदरणीय गंगा प्रसाद जी भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं, उनको भी आभार व्यक्त करता हुआ। उनका भी लगातार सहयोग मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। भले ही आज वो हम सब लोगों से दूर किसी संवैधानिक जिम्मेवारी पर हैं, लेकिन सदैव इस बात की चिंता उनकी रहती है कि दधीचि देहदान समिति बेहतर तरीके से राज्य के अंदर काम करे, उनका सहयोग भी मिलता रहता है। उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री यादव जी, श्री विनोद कुमार जी, श्री अरुण मूर्ति जी, श्री मनोज संडवार जी, श्रीमती सुषमा साहू जी, श्री सरेश महाजन जी, श्री नंद किशोर अग्रवाल जी, और सभागार में उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों, आज दधीचि देहदान समिति का ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। और जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि ये विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। हम लोग विश्व अंगदान दिवस के अगले दिन इस अंगदान दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। मित्रों, पिछला लगभग 1.5 वर्ष जो कोरोना का काल रहा है, वो तो किस प्रकार का व्यतीत हो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति ने मौत को बहुत नज़दीक से देखा, ऐसा लगता है कि जैसे मौत छू कर निकल गई। और ठीक का विमल जी ने कि जो लोग बच गए वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान लिए। तो इस आंधी में कौन कौन पेड़ उखड़ जाते, कौन कौन व्यक्ति काल कल्पित हो जाते, कुछ पता नहीं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर, जज, वकील, व्यापारी, यानी संपन्न से संपन्न व्यक्ति भी जो है इसकी चपेट में आने से बच नहीं पाया। इसलिए मित्रों, पिछला 1.5 वर्ष हम लोग का ऐसा व्यतीत हुआ कि दधीचि देहदान समिति के द्वारा जितना काम किया जाना चाहिए था वो कोरोना के कारण नहीं कर पाए। लेकिन मित्रों, मैं मंगल पांडे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके प्रयास से आज बिहार के अंदर आई बैंक की स्थापना हुई और उनको लाइसेंस भी प्राप्त हो गया है। और मंगल जी, अगर आपके कार्यकाल में काम नहीं हुआ तो फिर कभी काम नहीं होगा। और राजनीति में कब कौन कितने दिन कहाँ रहेगा ये कोई नहीं जानता। जब मृत्यु का ठिकाना नहीं है तो पद और बाकी का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जो आई बैंक से जुड़े जो बातें हैं उसको अगले 6 महीने में प्रयास कीजिए कि वो हासिल हो जाए। और इसमें लाइसेंस जो सबसे बड़ी बिल्डिंग भी बन जाएगी, लाइसेंस भी मिल जाएगा, प्रारंभ भी हो जाएगा। लेकिन जो आवश्यकता, सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो मैन पावर। क्योंकि अगर पद सृजित नहीं होंगे और डेपुटेशन पर वहाँ लोग अगर भेजे जाएंगे तो ये काम बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। तो मेरा सुझाव होगा कि इन सभी आई बैंक्स के लिए
जो पद सृजित किया जाना है वो पद सृजित कर उसके लिए नियुक्तियां करना और विशेष करके काउंसलर्स, क्योंकि डॉक्टर तो फिर निकालने का काम करेगा लेकिन लोगों को प्रेरित करने का, ये जो काउंसलर्स हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका। तो इसीलिए एम्स दिल्ली में क्या है बाकी क्या है उसकी जानकारी करके, और मेरा ये सुझाव होगा कि सभी आई बैंक्स फंक्शनल हो जाए और जो मानव बल की आवश्यकता है वो पद सृजित कर उसकी नियुक्ति का काम हो जाए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। एक और दो तीन मेरे और सुझाव है, एक हेल्पलाइन नंबर, यानी एक स्टेट लेवल का ऑर्गेन डोनेशन से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर। अब अगर किसी को दान देना है किसको फोन करें कहाँ जाए, यानी एक नंबर डेडिकेटेड नंबर, पूरे बिहार का कोई व्यक्ति फोन करना चाहे तो उसको पूरी जानकारी पूरी सूचना मिल सके। इसलिए एक तो ये कि हेल्पलाइन नंबर, तीसरा एक जो अनुभव आया है कि जो व्यक्ति बॉडी डोनेशन करते हैं उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, जैसे राजकीय किसी व्यक्ति अगर कोई बड़ा व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका राजकीय सम्मान के साथ उसका संस्कार होता है, या हिंदू या इस्लाम या ईसाई में कोई मर गया एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संस्कार संपन्न होता है। तो मेरा एक सुझाव होगा कि अगर कोई व्यक्ति देह दान करने के लिए घोषणा करता है उसकी मृत्यु होकर देह दान होता है उसका पूरा SOP बनना चाहिए, यानी वह व्यक्ति को कौन रिसीव करेगा, कहाँ बॉडी को रखा जाएगा, कैसे उसको सम्मान दिया जाएगा, उसके लिए क्या क्या किया जाएगा, वो प्रक्रिया निर्धारित नहीं होने के कारण उसको जितना उचित सम्मान मिलना चाहिए वो मिलने में आगे कठिनाई हो सकती है। इसलिए उसकी एक पूरी लिखित रूप में सरकार के द्वारा सभी मेडिकल कॉलेजेस को जहाँ जहाँ संभावना है कि बॉडी डोनेशन हो सकता है उसका एक SOP बन जाए तो उसका काफ़ी लाभ मिलेगा। अभी पूरे देश के अंदर अंगदान दिवस शायद 25 अगस्त से लेकर और मनाया जाने वाला है, तो जो भी राज्य सरकार या केंद्र की सरकार के द्वारा अंगदान दिवस का जो अभियान चलता है, याद होगा मंगल जी के 3 साल पहले काफ़ी बड़े पैमाने पर विज्ञापन वगैरह दिया गया, तो जैसे TB को लेकर कैंसर हर चीज़ को लेकर सरकार विज्ञापन देती जागरूकता पैदा करने के लिए, तो राज्य सरकार के द्वारा अंगदान सप्ताह के दौरान एक विज्ञापन का अभियान ताकि TV पर रेडियो पर अखबारों में विज्ञापन छपे ताकि लोगों को मालूम हो सके कि अंगदान और बाकी क्या है। और एक और चीज़ जैसे आई बैंक का मैं जिक्र कर रहा था, हर जगह परिवहन के लिए डेडिकेटेड वाहन की व्यवस्था, अगर 8 जगह या सभी मेडिकल कॉलेज में सरकार ने तय किया है कि आई बैंक खोला जाना है तो वहाँ पर एक परिवहन के लिए डेडिकेटेड वाहन, कोई सूचना आती है कि फलानी जगह जाना है आई डोनेशन के लिए तो डॉक्टर्स की टीम तुरंत जा सके। इसलिए ये सब और बहुत सारी बातें जो आपकी जानकारी में होगी तो मेरा आग्रह कि इन सारी चीज़ों पर एक ब्रेन डेथ, अभी समय नहीं उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन डेथ हो गया यानी शरीर के बाकी अंग चल रहे लेकिन मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, उसी स्थिति में उसके अंग दान हो सकते हैं, लीवर किडनी ये जो फेफड़े या हार्ट, इसका जो दान होना ये जीवित व्यक्ति का नहीं हो सकता है, मरने के बाद भी नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके मैंने बहुत ही कम अंग है जिसका दान होगा, तो जिसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई अस्पताल चलाया ब्रेन काम नहीं कर रहा लेकिन बाकी शरीर काम कर रहा है इसको ब्रेन डेथ कहते हैं। तो मुझे जानकारी है कि IBMS में इसका प्रशिक्षण संपन्न हुआ था, लेकिन एक बार नए सिरे से अगर ट्रेनिंग देना और ब्रेन डेथ कमिटी जो है अगर नहीं बनी तो सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ब्रेन डेथ कमिटी का गठन किया जाए, और ताकि ऑर्गेन डोनेशन तभी होगा जब ये ब्रेन डेथ घोषित होगा और लोग तब जाकर प्रेरित करेंगे तब जाकर उनका और अंगदान हो सकेगा। मित्रों जैसा भी बताया गंगा व बाकी लोगों ने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक
श्री मोहन भागवत जी की प्रेरणा से बिहार में दधीचि देवदान समिति का काम 7 साल पहले प्रारंभ हुआ और वही मोहन जी आए थे पटना, उन्होंने ही पहले कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और आज उसकी प्रेरणा से इतनी बड़ी टीम बन गई कि आज बिहार के हर जिले के लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो आज ये पूरी टीम है यहाँ पर बैठी हुई जो लोग लगे हैं, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ की कमेटी का गठन नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी संख्या में पूरा नेटवर्क बिहार के अंदर दधीचि देवदान समिति का बना है और इस संदर्भ में केवल मैं ये बताना चाहूँगा कि बाकी राज्य बहुत पहले चले आए इस जागरूकता अभियान में। मैंने इस बार राज्यसभा में एक सवाल किया सरकार से, केंद्र की सरकार से, कि 5 वर्षों में कितना नेत्रदान हुआ पूरे देश में और राज्यवार आंकड़े क्या है। तो जो सरकार ने संसद में जो जवाब दिया है कि 5 वर्ष में पूरे देश में 2,90,000 कॉर्निया या नेत्र का दान हुआ, 2,90,000। इसमें सबसे एक नंबर पर जहाँ सबसे ज़्यादा दान हुआ वो तमिलनाडु है, ये 5 साल का 47,560। गुजरात दूसरे नंबर पर है 33,716। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है 30,400। हम लोग यहाँ काम ही प्रारंभ हुआ 5-6 साल पूर्व। तो बिहार का जो आंकड़ा है वो करीब 450 के करीब के डोनेशन का और बिहार का आंकड़ा है। आगे आने वाले दिनों में और इसमें प्रगति होगी, अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो और संख्या बढ़ती और आई बैंक सब जगह खुल जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि और बड़ी संख्या में लोग नेत्रदान करने आगे आएंगे। अब तो मैं देख रहा हूँ कि हर महीने कभी मुकेश जी के यहाँ, कभी देवन जी के यहाँ टेलीफोन आता है। 2 साल पहले कोई टेलीफोन नहीं आता, अब टेलीफोन आता है कि मेरे घर में गलती हो गई, आप कृपया टीम भेज सकते हैं क्या। यानी यह सबसे बड़ी बात कि लोग अपने से टेलीफोन करके और यह कहें कि साहब आप टीम भेजिए, हम मेरे परिवार के लोग, उन्होंने संकल्प लिया था और वो दान करना चाहते हैं। अभी विमल जी गए थे दुमका या जा पाए थे कि नहीं जा पाए थे, उनका एक व्यक्ति लगातार फोन कर रहा कि मैं देह दान करना चाहता हूँ, यानी मृत्यु के बाद मेरी स्थिति खराब है, मैं कभी भी मर सकता हूँ, आप एक बार आकर मुझसे मिल लीजिए और मैं संकल्प पत्र भरना चाहता हूँ ताकि मेरी मृत्यु के बाद मेरा देह दान हो। अच्छा फॉर्म भर चुका, एक बार आकर मरने के बारे में मुझसे मिल लीजिए। और अभी एक व्यक्ति यहाँ पर आए थे जिन्होंने संकल्प लिया और मृत्यु हुई दिल्ली में और वहाँ से फिर उन्होंने फोन करके और अपना देह दान किया है। इसलिए मित्रों माहौल बिहार में बन चुका है और आगे आने वाले दिनों में और बड़ी संख्या में लोग नेत्रदान देहदान करने के लिए आगे आएंगे और बड़ी संख्या में लोगों ने संकल्प पत्र भरा है। आज़ादी की का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर पर से तिरंगा फहराएंगे और नोटों ने यह तय किया कि 1,00,000 लोग संकल्प लें 15 अगस्त को। मैं 15 अगस्त को एक दिन में कितने लोग संकल्प लेंगे तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं दधीचि देवदान समिति की ओर से ये घोषणा करना चाहूँगा कि हम लोग अगले 1 साल के अंदर 75,000 लोगों से नेत्रदान देवदान का संकल्प भरवाने का काम करें। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर तय कर लेंगे तो हो सकता है 38 जिले, अगर 2,000 भी एक एक जिले में होता है और कुछ जिलों में जमा होता है तो 75,000 लोगों का। तो आज़ादी के 75वें साल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो बिहार के अंदर 75,000 लोग ये संकल्प लेंगे कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा नेत्र, मेरा मेरे अंग, मेरा देह, जो भी जो दान करना चाहे वैसे लोगों का संकल्प पत्र भरवाने का काम हम करेंगे। और देखिए इस काम में केवल दधीचि देना नहीं है, हमको बैनर की कोई चिंता नहीं है, लाइन स्लॉट की इतनी संस्थाएं आगे आई हैं इस काम के अंदर। तो बिहार के जितनी भी संस्थाएं सामाजिक सबों को जोड़ेंगे और सबों के द्वारा मिलकर जो है ये 75,000 का संकल्प हम अगले 1 वर्ष के अंदर पूरा करने का एक टारगेट हम रखेंगे। मित्रों कोरोना काल में
नेत्रदान करना संभव नहीं था और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। बिहार सरकार के आंकड़े के अनुसार करीब 9,500 लोगों की मृत्यु बिहार में हुई है। बिहार देश में बिहार पहला राज्य जहां मरने पर कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई उनको 4,00,000 रुपया बिहार सरकार दे रही है। देश में कोई राज्य नहीं जो 4,00,000 रुपये की राशि देगा। बहुत जल्द केंद्र की सरकार भी कुछ राशि देने का ऐलान करेगी। लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने जो अनाथ हो गए उनकी तो मदद कर रही है सरकार, तो अनाथ के मतलब माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन जिसके परिवार में एक मृत्यु हुई, माता की या पिता की मृत्यु हो गई, उसको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही। 4,00,000 की सहायता तो मिल रही है, लेकिन अगर परिवार में पिता या माता की मृत्यु होगी कोरोना से तो उस परिवार को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। अभी आपने देखा 3 छोटे बच्चे आए हुए थे आपके सामने, ये वो बच्चे हैं जिनके पिता की मृत्यु हो गई और घर में माँ है, यानी कमाने वाला व्यक्ति चला गया। आप सोचिए जिस घर में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए, बच्चे छोटे हों, उसका भरण पोषण कैसे होगा। तो देखिए देवदान समिति ने तय किया कि हम बिहार के अंदर वैसे बच्चों को गोद लेंगे और मुझे खुशी और यहाँ सारे लोग बैठे हैं जिन लोगों ने मिलकर इस अभियान को सफल बनाया। 7 से 1,000 का हमने टारगेट लिया था कि हमको बच्चों के और नाम नहीं मिल पाए। अभी तक 724 बच्चे 724 और पूरे हिंदुस्तान में बिहार पहला राज्य है और पूरे देश में गदीजी देवदान समिति पहली संस्था है जो कोरोना में मृतक परिवार के 724 बच्चों की सहायता करने का निश्चित किया। और हमने तय किया कि 500 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा, अब ये तीन बच्चे आए एक परिवार के, तो 1500 रुपया प्रति माह उनको मदद मिलेगी। 3 साल तक हम मदद करेंगे और हमने कहा कि हम कोई डोनेशन नहीं लेंगे। हमने उनका अकाउंट नंबर उसकी पूरी जानकारी करके डोनर के पास भेज दिया और डोनर ने बैंक को लिखकर दे दिया कि मेरे अकाउंट से प्रति माह इस अकाउंट में 500,000 1500 रुपया काट कर उनके खाते में भेज दिया जाए। अभी तक जैसा विनोद ने बताया 724 बच्चों का चयन होकर अब उनके खाते में पैसा जाना और प्रारंभ हो गया है। और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आपके, क्योंकि ये नाम इकट्ठा करना बड़ा कठिन काम है, अगर आपके मोहल्ले टोले में भी कोई ऐसे परिवार हो जिनके माता या पिता की मृत्यु हो गई, या मुख्य रूप से पिता की मृत्यु हो गई, हम लोग उन्हीं को मदद कर रहे हैं। पिता की मृत्यु हो गई तो वैसे बच्चों को 500 रुपये महीना दधीचि देवदान समिति की ओर से दिया जाएगा। और लगभग 125 से ज़्यादा डोनर तैयार हुए। ये जो 724 बच्चों को जो पैसा दिया जाना है, ये लगभग 125 डोनर है। कोई 2 बच्चा, कोई 4 बच्चा, कोई 15 बच्चा। अब यहाँ बैठे यहाँ पर एक जो जिन्होंने कहा कि 50 बच्चों का जिम्मा लेते हैं, वो अकेले अपने से नहीं करेंगे और लोगों से मिलकर, और मैं चाहूँगा यहाँ बैठे लोगों से भी, लेकिन बहुत बड़ी राशि नहीं है। 500 रुपये का मतलब एक बच्चे का अगर आप जिम्मेवारी लेते तो साल का होता है 6,000 रुपये और कम से कम 2 बच्चों की जिम्मेवारी लेना, यानी 12,000 रुपया साल का। तो 12,000 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं यहाँ बैठे लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आप आगे आइए और कम से कम 2 बच्चों को उनके भरण पोषण की 3 साल तक की जिम्मेवारी दीजिए। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।